पार्षद भैरूलाल भडाना का रेलवे ट्रैक के पास शव मिला। कांग्रेस नेता के शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अजमेर रोड पर स्थित बायोस्कोप के सामने रेलवे लाइन के पास ये शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। तो भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेलवे ट्रैक के पास कांग्रेस नेता का शव मिला है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये मौत कैसे हुई, क्या किसी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है? अगर ऐसा है तो आखिर हत्या क्यों की गई? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश जारी। और झालावाड़ जिले के आवर कस्बे में गौकथा की कलश यात्रा के दौरान विवाद हो गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने कलश यात्रा निकालने पर आपत्ति जताई और बैंड बाजे को बंद कर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस भी निकाला। शांति से जुलूस को आगे बढ़ाया गया, लेकिन जैसे ही विवाद की घटना की जानकारी कस्बे समेत क्षेत्र में फैली तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और घटना का विरोध करने लगे। मामले में गौकथा समिति के उपाध्यक्ष ने 5 नामजद समेत 24 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया। और बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर जेजेएम यानी कि जल जीवन मिशन में एक और भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की शिकायत पर यह बड़ा खुलासा हुआ। दूदू के बोराज और उगरियावास योजना में भारी अनियमितताएं मिली हैं। अनियमितताओं का खुलासा हुआ है, जहां पर जांच अभी भी लगातार जारी है। पेयजल प्रोजेक्ट में नए स्काडा सिस्टम की जंग लगी पाई गई। पानी रीडिंग के सभी नए मीटर और उपकरण बंद पाए गए। बिना पाइपलाइन बिछाए ही ठेकेदार ने भुगतान उठा लिया। डिप्टी सीएम की शिकायत पर एक्सीएन ने भी मामले पर जांच की है। जेजेएम यानी कि जल जीवन मिशन को लेकर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक और भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। दूदू भ्रष्टाचार की जांच में अब तक 6 इंजीनियर्स पर कार्रवाई हो चुकी है। फॉर्म यादव कंस्ट्रक्शन कंपनी पर फिलहाल कार्रवाई नहीं की गई, जबकि सीएस सुधांश पंत फॉर्म के कामकाज पर नाराजगी भी जता चुके हैं। अभी भी बिना काम के फॉर्म को नियम विरुद्ध किया जा रहा है भुगतान। करूंगा अधिकारियों से, इसको व्यवस्था को जल्द से जल्द सुधारा जाए और हमारा जो डिमांड के अनुसार पानी है, जो पूर्व में मिलता था 10 लाख लीटर पानी, वो पूर्व वापस मिल जाए। हम ये नहीं कहते कि हमारे को एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दो, परंतु तो कम से कम 2 दिन, तीसरे दिन तो हमारे को पानी मिलना चाहिए। तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन तो कम से कम पानी दो हमारे को। बहुत ही स्थिति खराब है। रेवेन्यू स्कीम होने के बावजूद 10 दिन के अंतराल में पानी मिल रहा है, कहाँ का न्याय है?